गाइस हमें द फूड हंटर्स आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम रिव्यू करेंगे मैकडॉनल्ड्स की तरफ से एक न्यू एडिशन उनके मेन्यू में जो है चिकन स्ट्रिप्स। मैकडॉनल्ड्स जो है काफ़ी टाइम से उनका मेन्यू इंडिया में चेंज करते जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी न्यू चीज़ें पहले भी ऐड की थी और अभी भी उन्होंने ऐड किया है। उन्होंने स्मूथीज ऐड किए हैं, उन्होंने ये जो चिकन स्ट्रिप्स है वो भी ऐड किए हैं। और इनके इसके पहले जो उन्होंने मेन्यू रिविजन किया था उसमें चटपटा आलू नान भी ऐड किया था, उसका जो है आपको वीडियो यहाँ ऊपर मिल जाएगा। दूसरा जो है हमने इनके अमेरिकन मेन्यू और जो इटालियन मेन्यू है वो भी ट्राई किया था, उसका भी वीडियोस हम लिंक कर देंगे। और अभी बढ़ते हैं ये रिव्यू की तरफ। चिकन स्ट्रिप्स तो ये मिलते हैं 2 पीस, 3 पीस और 5 पीस के पैक में और इनका कॉस्ट है 3 पीस के लिए 100 रुपीज। तो आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखते हैं। कुछ नॉर्मल सा बेसिक पैकेजिंग है जिसपे लिखा हुआ है चिकन स्ट्रिप्स 3 पीस और पीछे ये मैकडी का लोगो है। कुछ ऐसे दिखता है बाहर से, इसका जो कवरिंग है थोड़ा क्रिस्पी लग रहा है मुझे, तो मैं खा के देखता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा लग रहा है। राइट ऑफ फर्स्ट बाइट में जितना क्रिस्पी दिख रहा है बाहर से उतना है नहीं। और एक चीज़ है ये जो है थोड़ा स्पाइसी है जिसकी वजह से एक अच्छा सा फ्लेवर अभी भी है मेरे मुंह में जो एक अच्छा सा आफ्टर टेस्ट दे रहा है मुझे। इसके लिए ये एक अच्छा पार्ट है इसके बारे में। चिकन भी है काफ़ी अच्छा है अंदर। और थोड़ा मॉइस्ट भी है। तो ओवरऑल जो है मुझे चिकन स्ट्रिप्स पसंद आए हैं। बस अगर ये बाहर से थोड़े और क्रिस्पी होते तो मुझे अच्छा लगता है इन्हें, और ऐसा ये जो है पूरा ओवरऑल पैकेज को एनहांस कर दा। यही है मेरा रिव्यू चिकन स्ट्रिप्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इसके बाद हमने सोचा है कि KFC में भी चिकन स्ट्रिप्स मिलते हैं तो इनका एक कंपेरिजन वीडियो बनाएं। तो आपको ये कैसा लगता है आइडिया हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताना और हम वो वीडियो लेके आएंगे जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।